हेलो, गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। राम्स गार्डन में सभी का स्वागत है। आज मैं फिर से आ गया हूँ एक नए वीडियो के साथ आपके सामने। ये जो सामने आप देख रहे हैं, ये मेरा एडेनियम का प्लांट है। कितने अच्छे से वाइट फ्लावरिंग हुए हैं और इसमें नए बर्ड्स आ गए हैं। ये देखिए इनके कॉडेक्स। तो मेन आज जो वीडियो बनाने का पर्पस है, आज हम सीड पॉट पे ऊपर बात करेंगे और सीड को किस तरह से ग्रो करेंगे उसकी आज हम देखेंगे कि किस तरह से लगाएंगे हम सीड्स को। ये देखिए फ्रेंड्स, ये जो मैंने सीड पॉट लिया था, इसे मैंने आज सुबह ही हार्वेस्ट किया। ये देखिए बहुत अच्छे अच्छे सीड्स बने हैं। तो ये बेसिकली इस प्लांट का था फ्रेंड्स। यहाँ से मैंने इसे तोड़ा आज, क्योंकि ये अभी जून का महीना चल रहा है, तो उसके बाद फिर मॉनसून आ जाएगा। तो ये जून तक में इसे लगाने का बहुत सही समय है फ्रेंड्स। तो इस सीड पॉट्स को मैं दिखाता हूँ खोल के कि एक्चुअली में ये किस तरीके रहते हैं। ये देखिए इसके बाल जैसे रहते हैं। ये देखिए कम से कम नए भी हो तो 20-25 आसपास होंगे फ्रेंड्स। तो इसे मैं लगाऊंगा। चलिए मैं आपको सारे को निकाल लेता हूँ, फिर मैं आपको दिखाता हूँ। तो फ्रेंड्स देखिए, ये हमने कुछ सीड्स कलेक्ट किए हैं अपने सीड पॉट से। तो कुछ हेल्दी हैं और कुछ थोड़े सूखे सूखे से हैं, पर चलिए देखते हैं लगा के ये ग्रो होते हैं कि नहीं। तो क्या क्या हमें सॉइल मीडिया रिक्वायर्ड होगा, चलिए उस पर हम बात करें। फ्रेंड्स ये हमने 50% अराउंड अपना गार्डन सॉइल लिया है। उसके बाद ये हमने 40% सैंड लिया है और ये 5% अराउंड हमने कोकोपीट लिया है और ये हमने वर्मिक कंपोस्ट 5% अराउंड मिलाएंगे। तो चलिए सबको मिक्स करते हैं, उसके बाद फिर आगे वीडियो में चलते हैं। फ्रेंड्स ये देखिए हमारा मिक्सचर रेडी है और ये सॉइल मीडिया जो एकदम पोरस है, देखिए मुट्ठी बंद करने से खोलने से पूरा निकल जाता है। तो इस तरह से आपको भी मिट्टी बनाना है सॉइल मीडिया को, जिससे कि पानी होल्ड ना कर सके और हमारे जो सीड्स है वो रॉट ना हो सके। तो इस पर मैंने एक्स्ट्रा फंगीसाइड भी मिला के रखा है। तो चलिए हम आगे अब किस तरह से लगाएंगे उसका देखते हैं। ये रहा जो मैंने पॉट लिया है, ये प्लास्टिक का एक छोटे से पॉट है और इस पर मैंने नीचे में कुछ ग्रेवल्स टाइप का डाल दिए, ईंट के टुकड़े, छोटे छोटे पत्थर, इस तरीके से चीज़ें आप लगा सकते हैं। तो चलिए हम 40% अपने मिट्टी को पहले ऐड कर लेते हैं। सीड्स ग्रो करना काफ़ी इजी है फ्रेंड्स, पर आपको पानी सही से देना होगा। मतलब पानी का विशेष ध्यान आपको रखना है। ये नहीं कि आप लगाएंगे और पानी आप उस पर डेली स्प्रे करेंगे तो हमारा सीड्स रोट हो जाएगा। तो इसके बारे में भी हम आगे बात करेंगे। तो सबसे पहले अभी हम कुछ सीड्स को लगा लेते हैं। ये देखिए ये हमारा सीड्स है। इस तरीके से आपको प्लेस करते जाना है फ्रेंड्स, मिडिल में इस तरीके से। चलिए पहले मैं लगा लेता हूँ, उसके बाद फिर आगे मैं दिखाता हूँ। फ्रेंड्स ये देखिए हमने सीड्स लगा लिए हैं अपने इस तरीके से गैपिंग पे। तो अब हम इसमें क्या डालेंगे जिससे कि इसके ऊपर हम डायरेक्ट सॉइल नहीं डालेंगे, इसके ऊपर मैं कोकोपीट का मल्च करूँगा इस तरीके से। एकदम पतली लेयर डालना है।
ज़्यादा भी नहीं कम भी नहीं। तो फ्रेंड्स ये देखिए हमने सारे सीड्स को लगा लिया और ऊपर से हमने कोकोपीट का मल्च किया है। कोकोपीट पे मैंने फंगीसाइड भी ऐड करके उसे अच्छे से मिक्स कर लिया था, उसके ऊपर मैंने ये मल्चिंग किया है। तो इसे अब हम स्प्रेयर के सहायता से पानी देंगे। इसे मग से डायरेक्ट डालने से हमारे जो सीड्स है वो निकल जाएगा। तो ये कम से कम 10 दिन या 15 दिन में हमारा स्प्राउट्स निकल जाएगा। तो हमारा जब स्प्राउट्स निकलेगा तो उसका अपडेट मैं ज़रूर से दूंगा। तो अभी के लिए ये वीडियो देखने के लिए सभी का धन्यवाद। और जिन्होंने मेरे राम्स गार्डन को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आपका एक सब्सक्रिप्शन और एक लाइक हमें मोटिवेशन करता है नए वीडियो बनाने के लिए। तो चलिए फ्रेंड्स, हैप्पी गार्डनिंग, बाय, टेक केयर।